एक समय की बात है, अजीब नगर नाम का एक गांव हुआ करता था। अजीब नगर गांव में गरीबी की बहुत ज़्यादा भरमार थी। कुछ लोग मजदूरी करके, खेतों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा करते थे। लेकिन अजीब नगर गांव की एक सबसे खास बात यह थी कि गांव के लोगों को मटन खाने का बहुत शौक़ था। लोग मटन को चिकन से 3 गुना महंगा खरीद कर भी मटन खाना पसंद करते थे, चाहे उनके पास सिर्फ 100 ग्राम ही मटन खाने का बजट हो। तो उसी गांव में कबीर नाम का एक अच्छे दाम में मटन व्यापारी मटन बेचता था। क्योंकि गांव में मटन के ग्राहक ज़्यादा थे तो कबीर की खूब कमाई होती थी। और उधर जाहिर चिकन बेचता था। जाहिर तो चिल्ला चिल्ला कर चिकन बेचता था, लेकिन एक भी ग्राहक चिकन खरीदने नहीं जाता था। सिर्फ गिने चुने लोग ही थे जो चिकन खरीदते थे, जिससे थोड़ी बहुत कमाई जाहिर की हो जाती थी। फिर उसी गांव में समीर नाम का एक गरीब आदमी अपने एक बच्चे और अपनी पत्नी रूबा बानो के साथ रहता था। तो एक दिन समीर की पत्नी, जी हर बार चिकन खा खा कर ऊब गई हूँ, अब थोड़ा मटन भी खाने का मन कर रहा है, तो ज़रा आज मटन की सब्जी ले आओ, आज तो मैं मटन ही पकाऊंगी। तो इस बात को सुनकर समीर कहने लगा, अरे रूबा, तुम तो जानती हो ना घर में कितनी आर्थिक तंगी है। हम इतनी गरीबी में तीसरे चौथे दिन चिकन खरीद कर खा लेते हैं, यही बड़ी बात समझो। मटन कितना महंगा है सोचो, हमारे पास खरीदने का इतना बजट है क्या? देखो जी, अब हमें ये पैसों का झांसा मत सुनाओ। गांव में लोग सबसे ज़्यादा मटन ही खरीदते हैं, वो भी तो हमारी तरह गरीब हैं ना। सिर्फ आपकी तरह ही गिने चुने कंजूस लोग होंगे जो मटन की जगह चिकन खाना पसंद करते हैं और परिवार वालों को भी खिलाते हैं। देखो जी, हमें कोई बहाना आपका नहीं चलेगा। आज तो मैं सिर्फ मटन ही बनाऊंगी, इसलिए जाओ और मटन लेकर आओ। चिकन खाते खाते मन बहुत ऊब चुका है, दूसरी में कोई सब्जी नहीं पकाने वाली, आप सोचो मत और जाओ जल्दी से। ठीक है यार, अब तुम्हारी इतनी इच्छा है तो ठीक है, जो कमाऊंगा वो सब मटन में ही खर्च कर दूंगा, फिर चाहे बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्च चल पाए या ना चल पाए। अरे अब आप भी ना खामखा खपा हो रहे हो, हम रोज़ थोड़ी ना मटन खाएंगे, हफ्ते में 2-3 दिन खा लेंगे, बस 2 दिन ही खा लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ मटन लेने। फिर समीर मटन खरीदने के लिए चला जाता है। तो समीर कबीर के मटन शॉप जाता है। अरे कबीर भाईजान, मटन क्या भाव बेच रहे हो? कबीर भाईजान, 200 रुपये किलो। अरे भाईजान क्या बता रहे हो, 200 रुपये किलो? अरे चिकन के बराबर मटन, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सस्ते में बेचोगे तो जमा के पैसे भी वापस नहीं आएंगे। वैसे सही दाम बताओ जनाब, क्या भाव बेच रहे हो? आधा केजी लेना है हमें। तो कबीर कहने लगे, अच्छा अच्छा तो खरीदना है, मुझे लगा सिर्फ भाव ही करने आए हो, वैसे चिकन खाना बंद कर दिया क्या? अरे नहीं कबीर भाईजान, बंद तो नहीं किया, लेकिन क्या करें, बीवी जो कुछ ना करे। क्या मतलब? अरे तो क्या जनाब, तो क्या बीबी अब मटन खाने को बोलती है क्या? तो क्या बीबी ने अब चिकन खाना बंद कर दिया क्या? हाँ भाईजान यही समझो। अच्छा अच्छा समझ गया, वैसे ठीक है, मटन खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गांव में मटन के ही ग्राहक बहुत ज़्यादा हैं। वैसे समीर भाईजान एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? पैसे वैसे कहाँ से कमाते हो, क्या करते हो? अरे जनाब, काम तो मैं मजदूरी करता हूँ, दूसरों के खेतों में काम करने जाता हूँ, बस उसी में 300-400 रुपये की दिहाड़ी कमाई करता हूँ, और उसी से घर का खर्च चल पाता है। वैसे कबीर भाईजान, आप ये मटन वाला धंधा करके कितना कमा लेते हो? वैसे समीर, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं दिन का 1200-1500 रुपये ज़रूर कमा लेता हूँ। अरे क्या बता रहे हो, 1200-1500 रुपये रोज़ बचा लेते हो? लेकिन मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ अभी तक तो कोई भी ग्राहक नहीं आया,
फिर इतना मुनाफा कैसे हो सकता है? अरे देखो समीर भाई, जितने समय तुम आए उससे पहले यहाँ पर 3-4 ग्राहक मटन खरीद कर चले गए, और मटन तो मेरा अब शाम को ही ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि हर रोज़ मेरा मटन शाम को ही बिकता है ज़्यादा, क्योंकि लोग शाम को ही तो खाना पकाते हैं ना, तो शाम को ही मटन बिकता है। अब देख ही रहे हो इतनी तेज़ गर्मी है, तो दोपहर में ही थोड़ी ना कोई मटन खरीद कर ले जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अच्छा अच्छा जनाब, समझ गया। चलो अच्छा, मुझे अब आधा केजी मटन दे दो और मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। फिर कबीर समीर को आधा केजी मटन देता है, फिर समीर मटन लेकर घर चला जाता है। आज तो आपने खुश कर दिया जी मटन लाकर, चलो अब मैं जल्दी से इस मटन को पकाती हूँ, फिर मटन बिरयानी खाकर बहुत मज़ा आ जाएगा। फिर समीर की बीवी रूबा बानो मटन बिरयानी अच्छी तरह से पकाती है, और फिर पूरे परिवार के लोग मटन खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। देखा जी, चिकन से ज़्यादा मटन खाने में मज़ा आता है। अब तो हम चिकन नहीं मटन ही खाएंगे। वैसे आप बताओ, आपको ये कैसा लगा मटन बिरयानी? बहुत जायकेदार लगा यार रूबा। जायका तो है, लेकिन इसके लिए पैसे भी जब दोगुने कमाएंगे तभी तो ये मटन परमानेंटली खा पाएंगे। हाँ ये तो बात है। फिर अगले दिन जब समीर खेत में काम करने के लिए जा रहा था, तब उसे एक आदमी मिलता है, वो भी खेत में ही काम करने जा रहा होता है। अरे राकेश, कहाँ जा रहे हो? ये हसिया लेकर कहाँ चल दिए? क्या अपने ही खेत में काम करने जा रहे हो क्या? अरे नहीं यार समीर, इतना कहाँ मेरे पास खेत है जो अपने खेत में काम करूँ, दूसरे के खेत में काम ना करने जाना पड़े। मैं तो रघु सेठ के खेत में काम करने जा रहा हूँ। और आप बताओ, आप कहाँ चल दिए हो इतना सुबह? आप ही काम करने जा रहे हो क्या किसी के खेत में दिहाड़ी काम करने? हाँ भाई, मैं भी काम करने ही जा रहा हूँ, मजदूरी करने। वैसे कहाँ जा रहे हो काम करने, और कितनी दिहाड़ी रुपये कमा लेते हो रोज़ का? अरे भाई, सिर्फ रोज़ का 300 या फिर 400 रुपये कमा लेता हूँ, लेकिन अब मैं ये मज़दूरी करना बंद कर रहा, 15 दिन बाद में ये मज़दूरी करना बंद कर दूँगा। क्यों भाई, कमाई तो अच्छी कर लेते हो, 300-400 रुपये वैसे तो बहुत हैं घर चलाने के लिए, फिर ऐसा क्यों क्यों परदेश में जाने का प्लान है क्या? अरे नहीं नहीं, परदेश तो नहीं जाऊंगा, काम तो यही करूंगा, लेकिन कोई दूसरा धंधा करूंगा। मैं गांव में एक मटन शॉप खोलना चाहता हूं। कबीर जो है ना मटन बेचता है, वो मटन बेचकर रोज़ के 1200-1500 रुपये कमा लेता है, सिर्फ 3-4 घंटे ही बैठकर। हाँ कमा लेता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पड़ोसी गांव का जो राशिद है ना, वो तो दिन का 2000 रुपये कमा लेता है मटन बेचकर ही, लेकिन वो बहुत ईमानदारी से काम करता है, ग्राहकों के साथ वो कोई भी गद्दारी नहीं करता, ग्राहकों की जैसी मांग होती है उसी के हिसाब से वो मटन बेचता है। और कबीर भी ऐसा ही करता है, बस ईमानदारी से काम करोगे तो तुम भी कमाने लग जाओगे, कबीर और राशिद से भी ज़्यादा। बस बात यह है कि ग्राहकों की जैसी डिमांड हो वैसा ही मटन बेचना, मुनाफा ही मुनाफा होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर समीर भी 15 दिन बाद काम करने के बाद एक 5000 रुपये का बकरा खरीद लेता है। फिर अपनी बीबी रूबा से, देखो रूबा, ये बकरा मैंने 5000 रुपये का ख़रीदा है, अब मैं भी बाज़ार में गांव में मटन बेचूंगा, और मैं भी कबीर की तरह ही दिन का 1200-1500 रुपये कमा लूँगा। अब देखना, ये 5000 रुपये का मैंने बकरा ख़रीदा है, और इसको मैं 6000 रुपये का तो बेचूँगा ही, 1000 रुपये का तो मैं मुनाफा ज़रूर कमाऊँगा। ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा, मैं तो बस यही कहूँगी, अल्लाह आपके धंधे को ऊँचाई तक ले जाए, और आप भी बस सारा काम ईमानदारी से ही करना,
क्योंकि ईमानदारी से किया गया धंधा कोई भी काम हमेशा कामयाब रहता है। अरे रूबा, तू इसकी चिंता मत कर, मैं सब काम ईमानदारी से ही करूँगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। फिर सबीर गांव के ही चबूतरे के पास मटन शॉप खोलता है, मटन बेचने लगता है। मटन के खूब ग्राहक आने लगते हैं, जिससे कि समीर का खूब मुनाफा होने लगा। फिर जब समीर मटन बेचकर इधर जा रहा होता है तो रास्ते में एक आदमी मिलता है। अरे समीर, मैंने सुना है तुम आज मटन बेचने गए थे, वैसे मटन बेच कर ही आ रहे हो ना, वैसे कितना मुनाफा हुआ है पहले दिन का? हाँ भाई, पहले दिन का तो सिर्फ मुझे 850 रुपये ही मुनाफा हुआ है, और मैं मटन बेच कर ही आ रहा हूँ। क्योंकि भाई मेरे पास तो सिर्फ एक ही बकरा था, वो भी छोटा था, इसलिए इतना ही बच पाया। अरे चलो कोई बात नहीं समीर, सारा धंधा धीरे धीरे ही कामयाब होता है। आज छोटा कल बड़ा मिलेगा, और परसों एक से ज़्यादा मिल जाएंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा। बस काम करते रहो, बस ईमानदारी से, अच्छे से। फिर ऐसे ही समीर का धंधा खूब अच्छे से चलने लगा, समीर की अच्छी कमाई होने लगी, समीर का परिवार भी खुश रहने लगा। लेकिन समीर के मटन शॉप खुलने के बाद एक और मटन शॉप प्रतियोगिता में खुल गई थी, जिसे समीर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता था। तो समीर की खूब ज़्यादा बिक्री होने लगी। समीर को बकरा नहीं और मिल रहा था, सिर्फ एक बकरे का ही जुगाड़ हो पाता था। समीर के पास ज़्यादा बजट भी नहीं था, और पूरे एरिया में बकरे खरीदने की भी बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो समीर घर जाकर, अरे क्या बताऊँ रूबा, जब से करीम ने मटन शॉप गांव में लगा दिया, तब से गांव में बकरे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और पड़ोस के गांव में भी कम मिल रहे हैं। गांव में मटन के ग्राहक तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन समस्या बकरों की है, और फिर हमारे पास बजट भी कम है, दूसरा और बकरा खरीद भी नहीं सकते, और मिल भी नहीं रहे, खरीद भी नहीं सकते। यारूबा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इस तरह से तो हम सिर्फ 800-900 रुपये ही दिन का कमा पाएंगे बस। अरे जी कोई बात नहीं, 800-900 रुपये ही बहुत हैं, ज़्यादा लालच भी ठीक नहीं होता है, जितना मिल जाए उतने में ही हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, हमें कोई और भी तरीका लगाना पड़ेगा ज़्यादा मुनाफा के लिए, 800-900 में काम नहीं चलने वाला है। लेकिन कोई गलत काम मत करना, जो भी करना ईमानदारी से ही काम करना, कुछ गलत मत करना। अरे यार रूबा, तू ना फालतू में मत टेंशन लिया कर, मैं कोई भी गलत काम नहीं करने वाला। फिर अगले दिन समीर जंगल जाता है। इधर के जंगलों में बहुत ज़्यादा सियार रहते हैं, चलो सियारों को पकड़ते हैं और बकरे के गोश्त में मिलाकर बेच देंगे, कोई नहीं जान पाएगा, और आसानी से बेचकर ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। ये तो बहुत अच्छी आइडिया। फिर समीर एक सियार पकड़ता है और बकरे के मांस में मिलाकर बेचने लगता है। इससे प्रतिदिन सियार को बकरे के गोश्त में मिलाकर बेचने पर समीर की खूब कमाई होने लगती है। लोगों के पूछने पर समीर, अरे यार आप लोग क्या स्वास्थ्य पंडे कहते रहते हो, अरे ये मैं बकरे यहाँ से नहीं खरीदता, जानते हो ये मैं बहुत दूर से बकरे खरीदता हूँ, इस एरिया के नहीं लेता हूँ। अरे इन बकरों का स्वाद ऐसे ही होता है, हाँ उन बकरों के मीट के स्वाद से थोड़ा कम है, लेकिन ये उन बकरों से बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन होती है। ऐसे ही ग्राहकों से बहला फुसला करके समीर चालाकी से मटन के साथ सियार का भी मांस बेच रहा था, और फिर ज़्यादा पैसे कमाने पर बीबी रूबा बानो के पूछने पर भी समीर कुछ नहीं बताता है। समीर रूबा बानो से सिर्फ यही बोल देता था, बस पैसे गिनती जाओ और आगे ये मत पूछो कि मैंने पैसे कैसे कमाए हैं, क्या तरीका लगाया है। रूबा बानो समीर को बहुत समझाती थी कि वो कोई गलत काम ना करें, लेकिन समीर तो समझ ही नहीं रहा था। फिर एक दिन एक सिपाही सादे वेश में समीर के मटन शॉप जाता है। अरे जनाब कितना मटन चाहिए बताओ, बहुत स्वादिष्ट मटन बेचता हूँ,
मेरा जैसा मटन पूरे इलाके में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सिपाही, हाँ बात तो तेरी सही है, सब तो मटन बेचते हैं लेकिन तू तो मिक्स मटन बेचता है, तो भला तेरे जैसा मटन कहाँ मिलेगा? ये क्या बता रहे हो जनाब, मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो समझाने की ज़रूरत नहीं है, तू बोल कैसे रहा है, तेरी तो फटने लगी लगता है। जानता है मैं कौन हूँ? मैं एक सिपाही हूँ, CO। अब जानकर भी अनजान बनता है साला। मेरा सिपाही तेरे पास से हर रोज़ मटन ले जाता था, लेकिन मटन का स्वाद चेंज सा लगता था पहले वाले मटन के मुकाबले। 2-3 दिन तो समझा कोई मसाले में दिक्कत होगी, इसीलिए स्वाद चेंज हो रहा है। लेकिन जब कल तेरे पास से मटन ले गया तो उस मटन में एक अजीब सा बाल मिला। बाल में कुछ मुझे डाउट था, इसीलिए मीट सहित लैब में टेस्टिंग के लिए ले गया। वहाँ पता चला कि उस मटन में CR का मांस भी है। फिर साले तेरी सारी कहानी समझ में आ गई। बता बेवकूफ़, क्या और भी कुछ बताऊँ? अब चल कमीने, हमेशा हमेशा के लिए अब जेल में मटन और CR का मांस बेचना। इडियट कहीं के, तूने क्या समझा था? तू ग्राहकों के साथ गद्दारी करेगा और तू पकड़ा नहीं जाएगा? देख, कानून से आज तक कोई नहीं बच पाया है, चल। फिर समीर को पुलिस CR के मिक्स मांस बेचने के मामले में जेल में डाल दिया। फिर समीर की पत्नी, देखा जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा था काम ईमानदारी से करना, लेकिन आप तो मेरी एक भी नहीं सुनते थे, और आज देखो यहाँ आकर पछता रहे हो ना। आपने ना मेरी फिक्र की ना ही अपने बच्चों की, आपने तो हमें सड़क पर डाल दिया। तो समीर बहुत दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी रूबा बानो से क्षमा याचना मांगने लगता है। मुझे माफ़ कर दो रूबा, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। साहब से बोल दो अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, अब मैं हमेशा ईमानदारी से ही काम करूँगा, मेरे लिए नहीं तो मेरे बच्चों के लिए ही मुझे छुड़वा दो, नहीं तो आप लोगों का क्या होगा? देखो जी, कोशिश करेंगे, अब आगे क्या होता है अब हम तो कुछ नहीं बता सकते। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हम जो भी काम करें ईमानदारी से करें, ईमानदारी से किया गया धंधा हमेशा कामयाबी की ओर ही रहता है, लेकिन बेईमानी और गद्दारी से किया गया धंधा कामयाब कभी नहीं होता है। दोस्तों, ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो। धन्यवाद।